नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां गायघाट में छठ घाट का विधायक ने किया लोकार्पण, और दिखाएंगे झांसी में कैसे पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए मनाई गई दिवाली। साथ ही चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की, जहाँ धूमधाम से स्कूल में मनाई गई दिवाली। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बलिया विकासखंड रेवती के गायघाट ग्राम पंचायत के मस्जिद टोला में प्रधान आशुतोष शंकर सिंह द्वारा आयोजित छठ महापर्व के पूर्व गांव में माताओं बहनों में साड़ी वितरण की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बांसडी विधायक केतकी सिंह सम्मिलित हुई। साड़ी वितरण कार्यक्रम के माध्यम से आशुतोष शंकर सिंह ग्रामीण महिलाओं को छठ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान कर रहे हैं और उन्हें इस त्यौहार को और भी उत्साह के साथ मनाने में मदद कर रहे हैं। यह एक प्रशंसनीय पहल है जो ग्रामीण समुदाय की भलाई के लिए की जा रही है। पैसा बढ़िया चीज बा कि डबल फायदा में हमने के बानी जा। अब प्रधानो जी बहुत होशियार बड़ू, ये काहे बाटा तरन जाना तरू लोग, इहो बहुत होशियार हो, ऐसे बाटा तरन कि भाई अब देखो तरन कि छठ मैया के पूजा बा। आ छठ मैया तो सबके आशीर्वाद दे ली, बिना छठ मैया के आशीर्वाद के केहू के नैया पार हुई। तो इहो सोचा तरन कि एगो माई के पहनाई बापन माई के, तो एगो माई से आशीर्वाद मिली। आ जब इतना माई के पहनाई तो मैं माई लोगन के आशीर्वाद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता विशाल साहू की रिपोर्ट। गाजियाबाद में कंपनी के अंदर कूलर बनाने का कार्य किया जाता था, बराबर की फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास जारी रखा है। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग से गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ से गाड़ी मंगाई गई है। लगभग अभी तक 7 से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दमकल विभाग द्वारा चारों तरफ से आग को घेर कर बुझाया जा रहा है। आग बुझाने में काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है। अभी तक आग को काबू कर लिया गया है। सर, साहिबाद इलाके के कंपनी में आग लगी है, क्या है पूरा मामला, कितनी कंपनी में आज समय लगभग 16:03 में फायर स्टेशन साहिबाद पे सूचना प्राप्त हुई थी। एक कूलर बनाने की फैक्ट्री है जो हर्षा कंपाउंड लोनी रोड में पड़ता है मोहन नगर में, उसमें आग लगी हुई है। वो फैलते हुए दूसरे बगल की फैक्ट्री में भी लग गई थी, साथ ही वहाँ पे उनका एक कर्मचारी छत पर फंसा था। तत्काल हमारी साहिवास से, कोतवाली से, वैशाली से और लोनी से घटनास्थल पे गाड़ियाँ भेजी गई। यहाँ के एक आदमी को ऊपर से पहले रेस्क्यू किया, साथ ही तीन तरफ से होश फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया गया। इस समय आग बुझाने की कार्रवाई प्रचलित है। अच्छा सर, लगभग 2 कंपनी में आग लगी बताया, दोनों एक ही वाली की कंपनी है, ये अभी जानकारी की जा रही है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आग लगी, अब तक कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को कितना कंट्रोल कर लिया गया? अभी लगभग 7 गाड़ियां हमारी घटनास्थल में मौजूद हैं, साथ ही नोएडा और हापुड़ से भी गाड़ियां रास्ते में हैं, और जो बेसमेंट में है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। ऊपर की लगभग कंट्रोल है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे पूरी तरह से कंट्रोल हो गई, ग्राउंड फ्लोर से कंट्रोल हो गई है। सेकंड फ्लोर पे अभी आग लगी हुई है, साथ में जिसमें कतरन का सामान भरा हुआ है उसमें भी काफ़ी आग है, और बेसमेंट में आग है। मुश्किलें कितनी आई हैं दमकल विभाग को आग बुझाने? अभी कार्रवाई प्रचलित है, इसमें चूंकि चारों तरफ से फैक्ट्री पैक है और आग बुझाने की समस्या आ रही है, उसमें काफ़ी धुआं है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जौनपुर में शाहगंज नगर की प्रमुख सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी की कमान पहली बार महिला अध्यक्ष को मिली है। शनिवार रात संपन्न हुए वार्षिक चुनाव सभा में दीपा सेठ को 2025 के लिए संस्था का अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव सभा में नई कार्यकारिणी का भी चुनाव किया गया। नई कार्यकारिणी में आदित्य अग्रहरी सचिव और उज्ज्वल सेठ कोषाध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पहली बार JCI शाहगंज सिटी में एक महिला अध्यक्ष बनी हुई है। मैं पूरा सबका जो उम्मीदें है उसमें खड़ी उतरूंगी, बहुत अच्छा काम करूंगी, इस साल को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरा कोशिश करूंगी। साथ साथ मेरी जिससे और भी महिला है आगे जा करके JCI शाहगंज सिटी के कमान लेना है, ऐसे में और लोगों को इंस्पायर करूंगी, अच्छा काम करूंगी। जिन लोगों ने भरोसा दिया कि आपको अध्यक्ष बनाया है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिनका भी भरोसा हमें कभी टूटने नहीं दूंगी, उनके भरोसे पे 100% खड़ी होता हूँ। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है इस साल का? मेरा इस साल बहुत सारे सपने हैं, JCI शाहगंज सिटी को अलग मुकाम तक लेके जाना है। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो हमारे लिए ZP अगर मिल गए तो मेरा काम और भी बढ़ेगा, और मैं ZP सर का भी जोन में और हमारा शाहगंज में भी JCI शाहगंज सिटी का जो झंडा है बहुत ऊँचा लेके जाने के लिए पूरा कोशिश करूँगी।
और बहुत ज़्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे कि ऑर्गेन डोनेशन हुआ या फिर मुझे एक स्पोर्ट्स लेवल में बहुत अच्छा चैरिटी प्रोग्राम करना है। और आजकल की जो दौर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, उन लोगों को मैं स्ट्रेस रिलीफ सेमिनार करवाना चाहती हूँ, और जो डिप्रेशन में रहे होंगे उन लोगों के लिए मैं बहुत सारा सेमिनार करना चाहूँगी, ताकि उन लोग अच्छे से लाइफ लीड कर सके, अच्छे अच्छे ऐसे लीडर मिल सके जेसी शागन सिटी को, और इसमें जेसीस और नॉन जेसीस दोनों को इंक्लूड करूँगी। आपके चुनाव समिति पूर्व अध्यक्ष और संस्था के पदाधिकारी सदस्यों किस तरह से आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो अध्यक्ष चुने आपको? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी हमारा पास्ट प्रेसिडेंट और प्रेजेंट जो मेंबर्स है उनको भी, और फ्यूचर जो भी हमारा है उन सबको भी मैं कहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुनने के लिए। मैं आप सबकी उम्मीदों पर खड़ी उतरूंगी और आप सबको साथ में लेके जाऊंगी, पूरा टीम वर्क करने का पूरा कोशिश करूंगी, ये अकेले का नहीं रहेगा, ये जो हिस्ट्री जो है मेरा पूरा टीम का काम रहेगा। इतिहास रचेंगी आप, एक स्वर्णिम इतिहास रचेंगे 2025। जैसे कि आप जेजे अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं 2025 जेजे चेयरमैन जेजे रौनक मोदीवाल चेयरमैन पद पे खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने विकास और टीम के विकास के लिए जेजे चेयरमैन बना हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, आप सचिव चुने गए हैं? मैं आयुष्मान इस साल सचिव चुना गया हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि अपनी पूरी निष्ठा के साथ मैं जेसीआई शाहगंज सिटी के लिए अपना पूरे एफर्ट के साथ अपना योगदान दे पाऊं, ताकि हमारा भी जेसीआई शागन सिटी काफी तरक्की करे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी के मऊरानी पूर्ण बाजार में दिवाली खेली जा रही है। यह वो नृत्य है जिसमें जवान वृद्ध नव युवक सभी अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसी को लेकर आज शुक्रवार को रानीपुर के बाजार में दिवाली नृत्य पर गान करते हुए किस तरह युवक ठुमके लगा रहे हैं, यह नृत्य प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऐसी परंपरा है कि दिवाली के पूर्व यह लोग मौन धारण कर प्रसिद्ध स्थानों पर जाते हैं, उसके बाद मौन व्रत समाप्त करते इसमें रामचरितमानस की चौपाई को गाया जाता है, उसी पर युवक नृत्य करते इसमें संगीत के लिए ढोलक मंजीरा झाझर मृदंग ढोल नगाड़े इत्यादि से ध्वनि करते हुए नृत्य किया करते हैं। इस टीम में कोई जाति पाति नहीं, सभी जाति के लोग भाग लिया करते हैं। इस नृत्य को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई करती। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। प्रयागराज में उतराव के मेहटीकर गांव निवासी किसान लालचंद्र का बेटा मिथिलेश पटेल 24 वर्ष की लाश 24 अक्टूबर को घर से दूर खेत में पुआल के नीचे दबी पाई गई थी। इस घटना ने क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। आपको बता दें कि लालचंद पटेल की पहली बीवी का बेटा मिथिलेश पटेल, जो मौत के दो दिन पहले घर से लापता हुआ था, तीसरे दिन शाम को उसकी लाश पुआल में पाई गई थी। पास में कुछ जहरीला पदार्थ भी पाया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजने के बाद रिपोर्ट में पता चला कि मौत जहर से हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या मिथिलेश जहर खाने के बाद खुद पुआल में सोने के लिए चला गया, यह मामला कुछ और ही था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली, जिससे लोग आज भी तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। आखिर क्या रहस्य है मिथिलेश की मौत का? आत्महत्या है या फिर हत्या? रहस्य कब उठेगा पर्दा? वही मिथिलेश के स्वभाव को सोचकर लोगों के पेट से पानी नहीं पच रहा है। अगर मामले का पूरा खुलासा नहीं हुआ तो मिथिलेश पटेल की मौत हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच अभी जारी है। अब देखना है कि मामले का खुलासा होता है या फिर खानापूर्ति कर मामले को बंद कर दिया जाता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में सिंधौली क्षेत्र के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल लिटिल स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया गया। ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल वैशाली सक्सेना ने दीपावली के प्रकाश पर्व पर चित्रकला प्रतियोगिता कराकर बच्चों में प्रकाश पर्व के महत्व को समझाया। स्कूल प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने भी सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकाश और दीपोत्सव का त्यौहार है। सभी को अपने अपने घरों पर साफ सफाई की व्यवस्था करते हुए दीप जलाकर एवं अन्य प्रकाश की व्यवस्था करते हुए इस उत्सव को मनाना चाहिए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।